दोस्तों आप देख रहे हैं गुरु चैनल। दोस्तों मैं बात करने वाला हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के नालंदा पहुंचे हुए। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे और विदेश मंत्री जयशंकर जी पहुंचे हुए थे। नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों 800 साल पुराना ऐसा एक केंद्र था जो दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र जो एजुकेशन के लेवल पर था दोस्तों, शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा नालंदा विश्वविद्यालय। और दोस्तों 800 साल के बाद से नीतीश कुमार के मेहनत से दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वहाँ पहुँचे हुए और वहाँ से उद्घाटन किया गया। तो फिर से एक बार जो है नालंदा विश्वविद्यालय का जो है काफ़ी नाम चर्चा में आ चुका है और नालंदा विश्वविद्यालय को काफ़ी आगे किया जा रहा है दोस्त। 17 देशों के सहयोग से भारत सरकार ने राजगीर के पास नालंदा विश्वविद्यालय नया कैंपस बनाया है दोस्तों। वो 17 देश जो है वहाँ पर सपोर्ट किए हैं क्योंकि जो नालंदा विश्वविद्यालय था बहुत बड़ा एक विश्वविद्यालय था, यानी दुनिया का सबसे बड़ा एक विश्वविद्यालय था। यहाँ पर काफ़ी देश के लोग यहाँ पर पढ़ाई करते थे। इसको लेकर उनका सपोर्ट से दोस्तों नया कैंपस बनाया गया जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने जो है बुधवार को लोकार्पण किया। आज जो है प्रधानमंत्री जो है उसका लोकार्पण किया दोस्तों। विदेश मंत्री भी थे, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलकर थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, 17 देशों के राजदूत समेत अन्य कई मेहमान मौजूद रहे। नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस कई मायनों में खास है। इसमें को बनाए रखते हुए छात्र छात्राओं को अत्याधुनिक सुविधाएं भी दी गई है, यानी एक डेवलप तरीका से बनाया जा रहा है। जब 2007 में दोस्तों जो है पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधान प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को पूर्ण जीवन करने का चर्चा हुआ था। इसके बाद 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। 2014 में दोस्तों केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 19 सितंबर 2014 को नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए नए कैंपस की नींव रखी थी। लगभग 9 साल के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वहाँ पे उद्घाटन किया दोस्तों, लोकार्पण किया दोस्तों। चलो दोस्तों ये काफ़ी दिनों से मेहनत करते हुए दोस्तों आज जो है जाकर रेडी हो चुका है। ये प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगरी राजगीर के पंच पहाड़ियों में से एक बेतागिरी की तहलीब बनाया गया है। करीब लगभग 455 एकड़ में फैले नए कैंपस में 1750 करोड़ रुपये लागत से नए भवनों और अन्य सुविधाओं का निर्माण किया गया है। अभी इस कैंपस का काम चल रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस में 24 इमारतें हैं, अलग अलग 24 इमारतें हैं और 1750 करोड़ जो है खर्च लगे हैं और 455 एकड़ में जो यहाँ परिसर जो बनाया गया है रूम रहने के लिए अत्याधुनिक अलग अलग जो है चीज़ बना है और पहाड़ी एरिया में बहुत ही खूबसूरत यहाँ का दृश्य हो। पास में जलाशय है जो दोस्तों जो है खंडर हो चुका था नालंदा विश्वविद्यालय, उसको दोस्तों फिर से एक बार नया जो है चांद दिया गया है, नई पहचान फिर से दोस्तों मिली हुई नालंदा विश्वविद्यालय को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है आज आकर लोकार्पण किया दोस्तों। आपकी क्या मानना जरूर कमेंट कर, वीडियो लाइक कीजिए।